हेलो विवान कैसे आप लोग तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो वैला का ही हमारा सेकंड जो फैमिली है एलुमिना तो उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कल हमने जो बात करा था वो करा था हमने कोलेक्स्ट्रोम परफेक्ट पे कोलेक्स्ट्रोम परफेक्ट वैला की एक परमानेंट फैमिली है जो हमने पूरा डिटेल में समझा था तो कल हमारा जो फैमिली थी कोलेक्स्ट्रोम परफेक्ट की तो यहां पर रीच नेचुरल डीप ब्राउन वाइब्रेंट रेड स्पेसा ब्लॉन्ड, स्पेसम मिक्स ठीक है तो ये हमारी फैमिली थी एक हमारा नेचुरल नेचुरल जो था वो हमारे चार पांच छ सात इस टाइप के हमारे बेसीड थे नेचुरल मतलब इसके अंदर हमारे ब्राउन सीड थे तो ये हमारी छह फैमिली थी तो हमने ये सभी फैमिली के बारे में हमने डिटेल में समझ लिया था लेकिन स्पेशा मिक्स को हमने नहीं समझा था तो आज मैं अभी आपको स्टार्टिंग में स्पेस मिक्स को समझा देता हूँ स्पेसम मिक्स को समझने के बाद हम इसी की वैला की हम सेकंड फैमिली के अंदर चले गए जो है इल्यूमिना तो इल्यूमिना जो है ये वैला की परमेंट ही है लेकिन एक अलग फैमिली है तो पहले हम स्पेसम मिक्स को समझते हैं तो कोलेस्ट्रोम परफेक्ट के अंदर जो स्पेसम मिक्स कलर है अब ये स्पेसम मिक्स है क्या स्पेश मिक्स का मतलब होता है इसको हमें बाकी जो कलर ट्यूब्स होती है उसके अंदर हमें मिक्स करना होता है इस स्पेश मिक्स को हम यूज करते हैं बूस्टर के लिए आपको किसी भी रिफ्लेक्शन को बढ़ाना है तब आपको यहाँ पर स्पेशा मिक्स को करना है या फिर आपको किसी अंडरकोट को करना है, तब आपको स्पेशा मिक्स करना होता है तो स्पेशम मिक्स के आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं अगर आपके पास कोई कलर ट्यूब्स ऐसा नहीं है तो आप स्पेशम को ऐड करके आप कोई नया क्रिएट कर सकते हो कलर ट्यूब को तो यहाँ पर मिक्स मिक्स आपके के अंदर होना चाहिए है तो आपके लिए बड़ा इजी रहेगा काम करने तो मैं यहाँ पर दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूँ जो ब्रांड कहता है किस तरीके से चलना है वो भी बताने वाला हूँ और जो सलोन में वर्क करते हैं देखो कुछ चीजें होती है जब हम काम करते हैं ना तब पता चलता है कि हाँ इसको इस तरीके से करना चाहिए थोड़ा सा हमें रूल को तोड़ के हमने चलना होता है तो वन, एट। इस टाइप की जो कलर ट्यूब होती है तो उसको बोलते हैं हम स्पेसर मिक्स इसके अंदर कोई बेस नहीं होता ये प्योर कलर ट्यूब है मैंने आपको बताया था नंबरिंग सिस्टम में कौन सी कलर ट्यूब के अंदर कितना परसेंट रिफ्लेक्शन है कितना परसेंट बेस है तो उसके वहां पर मैंने इनके बारे में भी बात किया था तो ये जो होते हैं पूरी कलर ट्यूब प्योर कलर ट्यूब है इसके अंदर कोई बेस नहीं है अगर आप 10 नंबर पे अगर आप जीरो स्टॉक डबल करोगे वो आपका एक नंबर का कलर बन जाएगा क्योंकि प्योर ब्लू है और जो जो आपका ब्लू होता है वो बिल्कुल डार्क में लेके चला जाता है बालों को ठीक है तो इसलिए यहाँ पर स्पेशल मिक्स को आपको कभी भी डिपॉजिट के लिए यूज नहीं करना इसको सिर्फ यूज करना होता है बाकी कलर ट्यूब के अंदर अब कितना परसेंट इसको ऐड करें अब इसका भी एक लिमिट रहता है ऐसा नहीं कि आप अंदाजे से बस डाले जा रहे हो अंदाजे से आपको नहीं डालना है इसका एक फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला आज मैं आपको समझाने वाला हूँ उसके बाद हम सेकेंड फैमिली के अंदर चले गए तो स्पेसमिक्स जो होती है ये हमारे बूस्टर कलर होते हैं इतना आप सभी को समझ आ गया होगा अब यहां पर देख लेते हैं डेप्थ या फिर बेस यहाँ पर हम बेस देख लेते हैं डेप्थ देख लेते हैं क्लाइंट का कितने नंबर का हेयर है वो आपको देखना है कितने नंबर का हेयर हेयर मतलब आप आप कभी भी कलर करते हो हो नेचुरल तो देखते ना नेचुरल हेयर चार नंबर का है या पांच नंबर का ये चीज देखते हो ना तो यहाँ पर आपको डेप्थ देखना है कि डेप्थ कितना है क्लाइंट का हेयर कितने नंबर का है तो यहाँ पर हम जो डेप्थ रखते हैं हम बारह से स्टार्ट करते हैं थोड़ा लाइट से डार्क की तरफ जाएंगे मैं आपको समझाने के लिए पहले बता रहा था, अब हम मेन जाते हैं बारह नंबर की कलर ट्यूब आती है वैला के अंदर ठीक है जो है स्पेस ब्लॉन्ड। इलेवन इसके अंदर नहीं आता है ठीक है इलेवन इसमें नहीं आता है तो इलेवन को हम नहीं लिखेंगे दस नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक भी नहीं आता है ठीक है मैंने बताया था ना आपको एक नंबर नहीं आता है तो यहां पर बारह से लेके ग्यारह नहीं होता थोड़ा बड़े में लिख देता हूं ये तो यहां पर <coughs> यहां पर वेला के अंदर इलेवन जो नंबर की कलर टिप्स होती है वो नहीं आती है ठीक है तो इलेवन को हमें हमने एक इमेजिनरी नंबर ले लिया है इलेवन एक हमारा सोचा हुआ एक नंबर है इसको आपको याद रखना पड़ेगा इलेवन ठीक है तो वैला के अंदर ना तो एक नंबर आता है ना ग्यारह नंबर की कोई कलर ट्यूब आती है कोई कलर ट्यूब नहीं है ग्यारह नंबर की भी और एक नंबर की भी लेकिन हमने ग्यारह नंबर को एक नंबर ले लिया है इसको आपको याद रखना है यही आपका एक फॉर्मूला है ठीक है इस फॉर्मूले के साथ ही आपको चलना पड़ेगा तो यहां पर इलेवन क्या करेगा आपका आपको हर बार इलेवन से माइनस करना है बेस जैसे हम बात करते हैं आपको कोई कलर करना है छह नंबर का ठीक है आपको कलर करना है सिक्स टोक सेवन सिक्स क्या है आपका बेस है ठीक है रिफ्लेक्शन नहीं देखना बेस देखना है सिक्स नंबर का बेस है तो सिक्स को माइनस करना है इलेवन से <coughs> तो छे और ग्यारह तो कितना रहा टू थ्री फोर ठीक है फोर और एक इलेवन हो गया फाइव तो यहां पर आपको जो कलर मिक्सिंग करनी है वो आपको पांच ग्राम एड एड करना है जब हम इलेवन से छे को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आता है हमारा पांच निकल के आता है तो पांच ग्राम आपको पूरी कलर ट्यूब के अंदर मिक्सिंग करनी है पूरी कलर ट्यूब मतलब अगर हम बात करते हैं तो साठ ग्राम की कलर ट्यूब होती है वैला की तो ग्राम की अंदर आपको ऐड करना है पांच ग्राम बूस्टर अब इसको हम और भी डीपली समझते हैं जैसे सिक्स टोक सेवन सिक्स टोक सेवन क्या है ब्राउन है ठीक है लेकिन क्लाइंट कहता है कि मुझे जो गोल्ड की रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा चाहिए तो गोल्ड के अंदर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा बूस्टर ऐड करना पड़ेगा जीरो स्ट्रोक आपने लिया जीरो डबल क्या है गोल्ड है है तो यहां पर जीरो डबल कितना लेना इलेवन से माइनस करना है इलेवन क्या है आपका एक नंबर सोचा हुआ है ठीक है इसको आपने एक बस एक फॉर्मूला इसको मान के चलो इसको याद रखना है तो इलेवन से माइनस किया छे को तो क्या आया निकल के पांच ग्राम तो पांच ग्राम आपको पूरी कलर ट्यूब के अंदर ऐड करना है साठ ग्राम के अंदर अगर आप यूज कर रहे हो तीस ग्राम कलर ट्यूब तो आपको ऐड करना है टू पॉइंट फाइव ग्राम आधे कलर ट्यूब ले रहे हो तो आपको स्पेशल आधा ही लेना पड़ेगा ठीक है ये चीज ध्यान रखना आपको <coughs> अब हम बात करते हैं अगर आप कर रहे हो एट स्टोक सेवन वन ठीक है एट स्टोक सेवन वन कर रहे हो लेकिन ऑरेंज कुछ ज्यादा दिख रहा है आपको वहां पर तो आपने ऐड कर दिया जीरो स्टॉक डबल एट आपको जीरो स्टॉक डबल एट उसके अंदर ऐड करना है किसके अंदर एट स्टॉक सेवन वन के अंदर ठीक है तो यहां पर या फिर जीरो स्टॉक डबल सिक्स मान लेते चलो क्योंकि येलो आता है तो जीरो स्टॉक डबल सिक्स हमने ऐड करना है तो जीरो स्टॉक डबल सिक्स अगर आप ऐड करोगे तो कितना ऐड करोगे इलेवन को माइनस करना है एट से इलेवन को माइनस करेंगे हम एट से ठीक है तो यहां पर हमारा कितना आया तीन ग्राम आया अब यहां पर तीन ग्राम आपको पूरी साठ ग्राम ट्यूब के अंदर ऐड करना है ठीक है साठ ग्राम के ट्यूब के अंदर ऐड करना है ये चीज ध्यान रखना अब हम यहां चलते हैं अगर हम बात करते हैं दस नंबर का आपको कोई दस नंबर के कलर ट्यूब करना है ठीक है लेकिन आपको वहां पर येलो टोन को अ, करना है न्यूट्रलाइज। तो दस नंबर के ट्यूब के अंदर अगर आपको जीरो स्ट्रोक डबल सिक्स एड करना है कितना ऐड करोगे इलेवन से माइनस करोगे टेन को कितना आएगा एक ग्राम तो आपको साठ ग्राम कलर ट्यूब के अंदर पूरी कलर ट्यूब के अंदर आपको सिर्फ एक ग्राम ही ऐड करना है इससे ज्यादा आप ऐड नहीं करोगे अगर ज्यादा ऐड करोगे तो वहां पर आपका जो वो बूस्टर होता है वो आपका डिपॉजिट हो जाएगा कुछ ज्यादा हो जाएगा अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूँ ये तो होता है हमारा जो ब्रांड कहता है अगर मैं बात करूं तो देखो ये आपको तब करना है जब आप ड्रैक कलर करते हैं ड्रैक कलर कलर मतलब आप कोई हाई लिफ्टिंग कलर्स कर रहे हो या फिर कोई आप फैशन सेड कर रहे हो ड्रैक कर रहे हो विदाउट ब्लॉन्डर ठीक है तब तो आपको यही फॉर्मूला फॉलो करना है अगर आप ब्लीच करा है आपने आप कोई सेवन नंबर का एट नंबर का कोई कलर डिपॉजिट कर रहे हो तो आप डिपॉजिट के टाइम पे बूस्टर को थोड़ा कम लेके चलना ठीक है कम मतलब अगर आ रहा है साठ ग्राम प्लस पांच ग्राम आपको ऐड करना यहाँ पर आप ढाई ग्राम ऐड करो कब करना है जब लाइट कलर थोड़ा कर रहे हो जैसे नौ नंबर का कोई आप एस कलर करना चाहते हो दस नंबर पे कोई व्हाइट कलर करना चाहते हो ऐसे टाइम पे, ठीक है? मतलब सात से ऊपर ऊपर मान के चलो जब आपका अगर आप 11 से करोगे, टैन को, एक ग्राम आता है एक ग्राम भी ज्यादा हो जाता है एक ग्राम से भी आधा लेना है हाफ ठीक है हाफ ग्राम आपको लेना है सिर्फ आधा ग्राम आपको ऐड करना है दस नंबर के ट्यूब में तब जाके आपको येलो टोन को वरना वो वॉलेट जो है अपना टोन अपना रिफ्लेक्शन छोड़ देगा इस चीज का ध्यान रखना है यहां पर जब आप कोई लाइट कलर करते हो तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी चलो लेकिन इसका भी आधा करो ठीक है सभी को क्लियर हो गया होगा सभी को क्लियर है एक बार मुझे ये बता दो सभी को क्लियर है फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा इल्यूमिना चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम बात करते हैं हमने कोलेक्स्ट्रोल परफेक्ट को पूरा अच्छे से समझ लिया इसका स्पेशल मिक्स कैसे कर यूज करना है इसके स्पेशल जो ब्लॉन्ड है वो कैसे करना है तो सारी चीजें हमने बात कर लिए हैं रिच नेचुरल प्योर नेचुरल सब के बारे में हमने बात कर लिया है कोलेक्स टू तो के अंदर तो वैला के अंदर जो परमानेंट कलर ट्यूब्स है तो दो आती है एक आती है कोलेक्सम परफेक्ट एक आती है इल्यूमिनर। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अब हम करते हैं इसके बारे में अब इसमें और इसमें क्या वर्क है क्यों ब्रांड दो कलर ट्यूब्स को लेकर आया ठीक है परमानेंट कलर ट्यूब्स तो है ये लेकिन दो को क्यों लेके आया दो फैमिली क्यों लेके आया कोलेक्शन परफेक्ट लिया है और एक इल्यूमिन एक लिया है इसमें क्या है? अगर मैं की की बात करूं या फिर बाकी, बाकी जो कलर नहीं देते है। जो हमारा नेचुरल हेयर का कलर होता है जैसे किसी का पांच नंबर का कलर है छह नंबर का कलर है तो वहां पर क्या होता है हमारी जो लाइट पड़ती है तो हर जगह से अलग कलर नजर आता है यहाँ से अलग दिखेगा यहाँ से थोड़ा अलग दिखेगा यहाँ से ब्लैक सा दिख रहा है तो यहां से ब्राउन सा दिखेगा तो नेचुरल जो हेयर होता है वो हमारा अलग होता है लेकिन जब हम परमानेंट कलर यूज करते हैं जैसे हमने परफेक्ट को बालों पे लगाया तो वहां पर हमारा जो कलर होता है वो इवन दिखता है यहाँ से ब्राउन दिख रहा है तो यहाँ से ब्राउन मतलब एक ऐसा नहीं लगता है कि डार्क टू तो लाइट कुछ इस टाइप का नहीं दिखता अलग से पता लगता है कि कलर किया हुआ है नेचुरल कलर नहीं लगता है तो यहाँ पर जो एलुमिना है ये हमें जो कलर देता है ये हमारा नेचुरल देता है अगर मैं नेचुरल हेयर की बात करूं कैसा होता है यहाँ से डार्क जाएगा नीचे से लाइट जाएगा ऐसा ही होता है नेचुरल हेयर लेकिन जब हम कोलेक्शन या फिर कोई अलग कंपनी का कलर करते हैं तो वो क्या करता है इवन कलर दे देता है यहां से लेके लास्ट तक पूरा इवन कलर रहेगा तो यहां पर एल्यूमिना जो होता है ये हमें डार्क टू लाइट कलर देने वाला है ठीक है इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज करी हुई है वो माइक्रो लाइट टेक्नोलॉजी यूज करी हुई है इल्यूमिना के अंदर तो माइक्रो लाइट टेक्नोलॉजी मतलब आप जहां से भी देखोगे अलग रिफ्लेक्शन नजर आने वाला है ऐसा पेंट की तरह नहीं आने वाला जैसे लिपस्टिक होती है ना ठीक है या फिर एक्रेलिक कलर मान लो ठीक है वो क्या होता है एक जगह पेंट कर दे वो पेंटिंग की तरह नजर आता है लेकिन ये आपको नेचुरल देने वाला है तो इसके अंदर माइक्रो लाइट टेक्नोलॉजी यूज करी हुई है जहां से भी देखोगे अलग रिफ्लेक्शन देने वाला है बिल्कुल नेचुरल लगने वाला है ऐसा नहीं लगने वाला आपको कि कोई किसी ने कलर किया हुआ है ठीक है तो नेचुरल अगर क्लाइंट को कलर देना है तो इल्यूमिना

कि हमारा साइन ज्यादा देता है पालो को सॉफ्ट करता है पालो में कलर जो होता है वो हमारा नेचुरल रहता है ब्लेंडिंग लुक देता है डार्क टू लाइट भी जाता है हर जगह से अलग अलग रिफ्लैक्शन नजर आता है ऐसा नहीं आता है कि बिल्कुल ही पेंट की तरह कलर किया हुआ है ठीक है तो कोलेक्शन uh, परफेक्ट और एल्यूमिन में ये डिफरेंस होता है यह, यहाँ पर हमें माइक्रो लाइट टेक्नोलॉजी मिली हुई है जिससे हमें कलर जो होता है वो एक अलग अलग नजर आता है तो यहां पर अगर मैं एल्यूमिना की बात करूं एल्यूमिना के अंदर 21 शेड्स आते हैं ठीक है थीके? इसके अंदर इतने ज्यादा शेड नहीं है लेकिन जो भी शेड है बहुत अच्छे शेड्स है आप इन शेड्स के साथ एस कलर थोड़ा लाइट कलर में बड़ा मजा आने वाला है अगर आप पसंद करते हो एस कलर करना ठीक है व्हाइट कलर करना पसंद करते हो तो एलुमिना जो है बहुत बेस्ट शेड है 21 वन सेड्स आते हैं इसके अंदर और 21 वन सेड जितने भी सेड्स हैं सभी बहुत ज्यादा बेस्ट है तो अगर मैं इसकी फेमस की बात करूं नाइन स्टॉक सिक्स जीरो बहुत ज्यादा फेमस है ठीक है आप न्यूट्राइजिंग के लिए बहुत अच्छा उसको यूज कर सकते हो तो 21 वन सेड्स है मस्त सेड है आप इसको यूज करके देखना कोलेक्शन परफेक्ट के अंदर एट्टी फोर है ठीक है अब हम बात करते हैं इल्यूमिना की मिक्सिंग रेशियो के बारे में इसकी टाइमिंग के बारे में तो इल्यूमिना का मिक्सिंग रेशियो और कोलेक्शन का मिक्सिंग रेशियो सेम है कोई अलग नहीं है इसका भी वन रेशियो वन था और इसका भी मिक्सिंग रेशियो वन रेशियो वन है टाइमिंग भी सेम है अगर आप इसको कर रहे हो विदाउट हीट तो आपका रहेगा थर्टी टू फोर्टी मिनट अगर आप कर रहे हो विद हीट तो आपका रहेगा पंद्रह से पच्चीस मिनट ठीक है टाइमिंग भी सेम रहने वाला है मिक्सिंग रेशियो भी सेम रहने वाला है ठीक है तो यहाँ पर बस साइन का फर्क है और कलरिंग का फर्क है कलर जो है यहां पर आपको एक डार्क टू लाइट में देने वाला है ब्लाइंडिंग लुक देगा तो क्लियर है एल्यूमिना तो यहाँ पर वैला के अंदर दो फैमिली जो है कोलेक्स्ट्रो परफेक्ट और एल्यूमिना वो परमानेंट कलर है बालों के अंदर परमानेंट काम करने वाला है अगर मैं एल्यूमिना की बात करूं इसके अंदर भी बेस आते हैं चार नंबर पांच नंबर छह नंबर तो ये जो बेस कलर है हंड्रेड परसेंट ग्रे कवरेज करते हैं लेकिन कोलेक्ट्रोन परफेक्ट के जो बेस कलर है वो हंड्रेड परसेंट ग्रे ग्रे कवरेज तो करेगा ही करेगा इनका फैशन कलर भी ग्रे कवरेज करता है लेकिन जो हमारा एल्यूमिना है ये हमारा फैशन कलर जो इसके अंदर आता है

ये कलर्स बहुत ज्यादा बेस्ट है अगर आपको बालों में साइन ज्यादा देना है बालों में स्मूथ कलर दिखाना है नेचुरल कलर दिखाना है तो किसी का कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकता है के बूस्टर कलर सब टॉपिक पे हम बात करने वाले बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी हमारा वैला चल रहा है तो वैला पूरा कंप्लीट करेगा ना अभी तो हमारा सिर्फ परमानेंट कलर टिप्स की बात करिए अभी डायमी परमिट्स कलर्स हैं अभी इनका मैग्मा भी है और बहुत सारे टॉपिक है पूरा वैला के बारे में हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करने वाले हैं कोलेक्स तो, सॉरी स्कॉस्कॉफ के बारे में लॉरेल के बारे में मैकवेस सब ब्रांड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं और दूसरा अगर आपको किसी को भी क्लासेस को ज्वाइन करना है ऑफलाइन क्लास आप करना चाहते हो आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो ठीक है तो आप हमारे एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो अगर मैं बात करूं हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है तो जो भी सलोन के अंदर आपके क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे इस टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए इस टाइप की कलरिंग चाहिए सब टॉपिक आने वाला है अगर आप मास्टर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो कलरिंग की मास्टर क्लासेस को तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो उसके अंदर हम बहुत अलग तरीके से काम करने वाले हैं आपको वहां पर टेक्निक को क्रिएट करना बताइए टेक्निक जो है वो हम कैसे बनाते हैं अगर मैं बात करूं हाईलाइटिंग की अभी तक आप क्या करते हो तो बेसिक सी हाईलाइटिंग करते हो आपने फोर एक्शनिंग किया और आपने क्या किया तर तर, मतलब वेविंग निकालना स्टार्ट किया और फॉल पेपर प्लेस कर देते हो यहाँ पर हम जो हाईलाइटिंग आपको बताने वाले हैं वो आपको अलग तरीके से बताने वाले हैं और वो हमारा अलग रहने वाला है, अगर आप मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो करते हो तब ठीक है अगर आप बलियाज टेक्निक की हम बात करें तो बलियाज टेक्निक भी बहुत अलग रहने वाला है अभी तक आप नॉर्मल टेक्निक करते हो बलियास की तो यहाँ पर हम जो बलियाज है वो आपको बहुत अलग तरीके से बताने वाले है और हम अब जो ग्लोबल कलर होता है वो भी मास्टर क्लास में बहुत अलग होने वाला है अभी तक आप जो ग्लोबल कलर करते हो आप एक ही कलर के साथ करते हो ऊपर से लेके नीचे तक एक ही कलर लगा देते हो लेकिन यहाँ पर ग्लोबल कलर में भी हम अलग अलग कलर को हम यूज करने वाले हैं तीन चार कलर के साथ हम ग्लोबल कलर करेंगे एक कलर हम अलग लेंगे कलर अलग लेंगे क्या रहने वाली है किस सेक्शन से कैसा रिजल्ट आने वाला है तो वो पूरा डीपली आपको मास्टर क्लास में बताया जाता है तो मास्टर क्लास भी जरूर ज्वाइन करना तो उसमें बहुत चीज आपको सीखने को मिलेगा ज्यादातर हमारा प्रैक्टिकल रहता है और कलर क्रैक्शन रहता है उसके अंदर कलर क्रैक्शन जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो चीज और मेन चीज जो रहता है जैसे क्लाइंट जो भी फोटोज दिखाते हैं आप समझ नहीं पाते ये टेक्निक कैसे करें तो वो सारी चीजें उसमें कवर करते हैं तो जिसको भी इंटरेस्टेड है ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप बिल्कुल आ सकते हो और यहाँ पर पीजी है बॉयस पीजी गर्ल्स पीजी तो आप स्टे कर सकते हो तो किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक चलिए तो मुझे लगता है आप सभी के डाउट क्लियर है ठीक है किसी को भी डाउट नहीं है तो हम क्लास को यहाँ पर ऑवर करते हैं फिर थैंक यू सो मच गुड नाइट हमारा नया टॉपिक रहेगा बाय